अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे फोटो क्लिक कराने के लिए जहाँ पे दिया और बाती हम की शूटिंग हुई है। वही जगह है जहाँ पे कि दिया और बाती हम की शूटिंग हुई है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुलाली और लाली की जहाँ में फिर से आप सभी का स्वागत है। स्वागत है फिर से आपका एक नए ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, तो आज हमारी सवारी फ़िलहाल निकल चुकी है पुष्कर घूमने के लिए। तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है आज के इस ब्लॉग में और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, तो अभी फ़िलहाल हम लोग हैं रास्ते में और लगभग बस अब कुछ ही देर है जो कि हम लोग को पुष्कर हम लोग पहुंच जाएंगे। और ट्रस्ट में मैं तो बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मतलब ये इस तरह का व्यू मैंने अपने लाइफ में पहली बार मैं देखने वाली हूँ, मैंने पहले कभी नहीं देखा है। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सो फ्रेंड्स, तो फिलहाल यहाँ पे जो है तो वो सारी बातें हो रही हैं कि ये हम कितनी चार्जेस लगेगी बग्घी की और हम लोग को कौन कौन सा जगह घुमाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है तो आपको प्राइस लगती है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो बुक की है वो उसकी प्राइस है 3,000 रुपये और फिर उसे 3,000 में हम लोगों को काफ़ी अच्छी जगह हम लोग को घुमाई जाएगी। तो बस यहाँ पे वही सारी डिस्कशन चल रही है। तो आप भी आएँ तो आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग, जगह के अकॉर्डिंग आप बग्घी अपनी बुक कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेत ही रेत है पूरे में और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो फ्रेंड्स, तो फिलहाल हम लोगों ने सारी बातें कर ली और ये है पूरा बाहर का व्यू और आप देख सकते हैं बिल्कुल मतलब रेत ही रेत हर जगह पे दिखाई दे रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग पुष्कर पहुँच चुके हैं एंड यहाँ पे अब हम लोग की बग्घी रेडी हो रही है, हम लोग बग्घी से जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दो फैसिलिटी मिलती है, अगर आप बग्घी वाले करते हैं तो उसकी अलग रेट है एंड अगर आप सिंगल कैमल लेते हैं तो उसकी अलग रेट है। तो ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको किस पे जाना है, किस पे आपको पुष्कर की सवारी करनी है। तो हम लोग बहुत सारी जगह देखेंगे तो फिर आप बने रहिएगा हमारे साथ में क्योंकि मैं भी पुष्कर फर्स्ट टाइम आई हूं। तो देखती हूं कि आखिर क्या क्या है पुष्कर में और आप लोग भी हमारे साथ देखिए, हमारे मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। तो फिर चलिए ऊँट की सवारी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, तो फिलहाल ये है हमारी सवारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और हम लोग अब यहाँ से निकलने वाले हैं। तो चलिए लेते हैं मज़ा पूरे पुष्कर का और घूमते हैं हम लोग। तो ये हमारी सवारी, ऊँट की सवारी स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं सबको। ये हमारा बहुत ही बढ़िया एडवेंचर होने वाला है। सो फ्रेंड्स, फिलहाल अभी जो ये आप सामने एक पहाड़ देख रहे हैं, रेत के बीचों बीच आप एक पहाड़ देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वो जगह है जहाँ पे कि करण अर्जुन के एक सॉन्ग की शूटिंग होती है जो कि शायद आपको ये पता ही होगा, जय माँ काली करके एक सॉन्ग है करण अर्जुन में, जो कि उसकी शूटिंग इसी जगह पर हुई थी। यहाँ जो है ये लिफ्ट से जाने की भी फैसिलिटीज़ है। फिलहाल यहाँ तो हम लोग ऊपर तो हम लोग नहीं जाएंगे बट मैं आपको दूर से ही मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये वही जगह। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ बहुत सारे मतलब सीरियल हो गए, फिल्म हो गई, बहुत सारी चीज़ों की शूटिंग यहाँ हुई है। बजरंगी भाईजान का एक गाना है, उस गाने की भी शूटिंग यहाँ पे हुई है। सो फिर तो यहाँ पे हम लोग कुछ देर रुक गए और निशा जो है वो ऊँट की सवारी उसे करनी है तो वो बैठ रही है फिलहाल ऊँट पे। वाह ग्रेट, निशा इधर देखो कैसा लग रहा है बैठ के। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग कुछ देर रुकेंगे और ये आप कह सकते हैं कि जैसा कि ये मेन पुष्कर हो गया जहाँ के आपको सिर्फ रेत ही रेत आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे जो है राजस्थानी फोक गाने वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो चलिए हम लोग भी सुनते हैं और आपको सुनाते हैं।
सो फ्रेंड्स, तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ का राजस्थानी गाना भी सुन लिया और ट्रस्ट भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऊँट की सवारी करने लगे, कुछ फ़ोटो वगैरह वीडियोस वगैरह, क्योंकि भाई जब आए हैं इतनी दूर हम लोग घर से आए हैं तो कुछ तो मज़ा ज़रूर लेना चाहिए, और फ़ोटोज़ और वीडियोज़ तो ये तो बिल्कुल ज़रूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि कुछ तो यादगार हर जगह की बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त जो है ये दोबारा लौट करके नहीं आता और शायद ऐसा टाइम भी बार बार नहीं आता है। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि मैं अभी ऊँट पे बैठी हुई थी, एंड ट्रस्ट मी, मैं फर्स्ट टाइम ऊँट पे बैठी हूँ एंड मैंने ऊँट की सवारी की है, एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ा आया ऊँट के ऊपर बैठ करके। हम लोग को तो यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा, पुष्कर के बारे में बहुत ही हम लोग सुनते थे कि ये बहुत ही अच्छी जगह है, एंड ट्रस्ट मी, ये वाकई में बहुत ही अच्छी, रेगिस्तान ही रेगिस्तान आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे का ये नज़ारा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपकी दियार बाती की भी शूटिंग हो चुकी है, यहाँ पे करण अर्जुन मूवी के एक सॉन्ग की शूटिंग हो चुकी है, तो बहुत सारी शूटिंग होती रहती है। ये तो आप अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराने के लिए जहाँ पे दिया और बाती हम की शूटिंग हुई है, तो हम लोग अब वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराने के लिए जा रहे हैं। ये देखो यार, बिल्कुल चला भी नहीं जाता इसमें, एंड ये वही जगह है जहाँ पे कि दिया और बाती हम की शूटिंग हुई है। तो ये देखिए, एक की फ़ोटो सेशन चल रही है, निशा यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रही है, और इसके बाद आएगा मेरा टर्म जो कि मैं भी बैठ के फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करवाऊँगी अपनी। सो ये आप देख सकते हैं, इट्स लुक सो ब्यूटीफुल यार, मतलब बहुत ही खूबसूरत। सो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग वहाँ से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, और मैं आपको बता दूँ कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, और अब हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं दुर्जन सिंह की हवेली जो कि करण अर्जुन में दिखाई गई थी, तो वो वाली हवेली हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, और लगभग हम लोगों ने सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली, और फिलहाल तो ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। ये आप बैक कैमरे से आप देख सकते हैं, मतलब एक साइड पानी है, एक साइड रेत है, देखने में काफ़ी बढ़िया व्यू ये लग रहा है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अब हम लोग चल करके देखते हैं दुर्जन सिंह की हवेली। ये कौन सी जगह भैया? पुष्कर। नहीं नहीं, ये जो आप बिल्डिंग जो बता रहे हैं, माल के वो जो करण अर्जुन का शूटिंग में जो अमरेशपुरी को मारता है दुर्जन सिंह ठाकुर की हवेली। अच्छा, करण अर्जुन मूवी में था। वो हवेली है जहाँ करण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी, जहाँ के अमरेशपुरी को मारने में दिखाया जाता है। दुर्जन सिंह की हवेली है ये, वो है दुर्जन सिंह की हवेली, जिन्होंने मूवी देखी है वो तो देख करके समझ ही जाएंगे कि ये वही जगह है। सो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग पूरा पुष्कर घूम चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, बहुत सारी जगह आप लोगों ने भी देखा होगा। तो फिलहाल यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं हम लोग घर की तरफ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग पुष्कर घूम चुके हैं, एंड हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, तो आप लोग भी यहाँ आइए और आकर के आप लोग ढेर सारी मस्ती कीजिए, यहाँ आप लोग को बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और प्लीज़ आप लोग मेरे पूरे ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस ब्लॉग में हम लोगों ने बहुत सारी इन्जॉय की है, बहुत सारी मस्ती की है। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की सारी न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग में आपसे, प्यारे से, स्वीट से, अच्छे से ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। तब तक खुश रहिए, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा।